डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। श्री रामलीला कमेटी मेरठ छावनी का आज वैशाली मैदान में विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया गया। वर्ष 1960 से चली आ रही है रामलीला को आज 63 साल पूर्ण हो गए हैं। श्री रामलीला आयोजन का शुभारंभ 24 दिसंबर से भगवान शंकर की बारात से होगा, जबकि मंच लीला 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। देखिए, इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा। भगवान राम की प्रतिवर्ष होने वाली रामलीला जो वैशाली मैदान में पिछले कई वर्षों से उत्साह के साथ हो रही है, नौजवान टीम है और नए नए तरीके से रामलीला का वो मंचन कर रहे हैं। इस वर्ष की रामलीला का भूमि पूजन हुआ है और आज से रामलीला का बाड़ा वगैरह बनना शुरू हो जाएगा। उचित समय पर पहले शंकर जी की बरात, फिर राम जी की बरात, उसके बाद रामलीला शुरू होगी। निश्चित तौर पर मेरठ की जनता को ये रामलीला बहुत अच्छी स्वरूप में देखने को मिलेगी और राम के आदर्शों के बारे में जानकारी प्राप्त। रामलीला के बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के महामंत्री गणेश अग्रवाल ने यह कहा। और क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र है? रामलीला तो आज से भूमि पूजन हो गया रामलीला का, 24 तारीख को शिव बरात है, 25 से मंचन शुरू हो जाएगा। और रामलीला आप जानते हो, छावनी के रामलीला में कुछ ना कुछ नया हम लोग कमेटी वाले करते रहते हैं। मकसद यही है कि बच्चों सब समाज को श्री भगवान श्री राम के नक्शे कदम पे चलने की प्रेरणा मिले। क्या आकर्षण का केंद्र रहेगा? अभी बता देंगे तो फिर उत्साह खत्म हो जाएगा। आकर्षण का केंद्र तो आप सब लोग कवर कर ही लेंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल, भाजपा नेता नीरज मित्तल, कमेटी अध्यक्ष पवन गर्ग आदि मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।